तो अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को बनाया कप्तान, तो आरसीबी की टीम का हाथ थामते हुए रोहित शर्मा बने उनकी टीम के कप्तान। फिर नीता अंबानी मुकेश अंबानी ने मिलकर दिया 100 करोड़ से भी ऊपर का ऑफर, लेकिन अब रोहित शर्मा ने किया साफ, बताया आईपीएल 2024 में किस टीम के लिए खेलेंगे। तो दोस्तों आखिरकार रोहित शर्मा ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए क्या कहा है? नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के साथ मीटिंग के बाद तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, विराट कोहली में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल 2024 की नीलामी इस साल सबसे यादगार नीलामियों में से एक रही, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां खिलाड़ियों ने 20 करोड़ के आंकड़े को पार किया, मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज 24.75 करोड़ में का, तो वही दूसरी तरफ पैट कमिंग्स जैसा कप्तान ऑस्ट्रेलियाई टीम का 20 करोड़ लेकर भारत के हाथ से गया। हालांकि दोस्तों यहां पर इन दोनों के अलावा रोहित शर्मा को लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। आप सभी को याद तो होगा ही कि रोहित शर्मा से बिना पूछे समझे हार्दिक पांड्या को कप्तान मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट ने बना दिया। अब हार्दिक पांड्या जैसे ही मुंबई इंडियंस के कप्तान बने तो यहाँ पर दर्शक काफी ज्यादा भड़क उठे। उन्होंने हार्दिक पांड्या को टीम से बाहर निकालने तक के लिए कह डाला और यह तक मांग कर डाली कि गुजरात टाइटन में हार्दिक पांड्या को दोबारा से भेज दो, उनकी मुंबई इंडियंस में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ मुंबई इंडियंस ने तो दाव खेल दिया था। गुजरात टाइटंस की टीम से बाहर निकाल लेने के बाद हार्दिक पांड्या को तुरंत कप्तान बनाया, क्योंकि हार्दिक ने वापस आने के लिए बस शर्त यही रखी थी कि वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। लेकिन दोस्तों इन सब बातों से रोहित शर्मा बिल्कुल अनजान थे, उनको नहीं पता था कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया भी जाएगा। और जैसे ही हार्दिक पांड्या कप्तान बने तो रोहित शर्मा भी काफी भड़क गए। लेकिन इसी बीच आरसीबी ने कई हैशटैग चलाए और रोहित शर्मा को ऑफर तक दे डाला कि वो उनकी टीम में आए और कप्तानी करें और हम मुंबई इंडियंस द्वारा दी जा रही राशि से 3 गुना उनको ज्यादा देंगे, मतलब कि 70 करोड़ के लगभग की यह धनराशि निकल कर आती थी और यह आरसीबी की टीम करने के लिए मान भी गई। जिसके चलते यहाँ पर रोहित शर्मा ने तो लगभग हाथ पकड़ ही लिया आरसीबी की टीम का और उनके कप्तान बनने के लिए भी तैयार है। लेकिन नीता अंबानी और मुकेश अंबानी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रोहित शर्मा दूसरी किसी और टीम में जाए, क्योंकि वो रोहित शर्मा का महत्व समझते हैं। अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में नहीं होंगे तो उनकी टीम कभी आईपीएल की ट्रॉफी तक भी जीत नहीं पाएगी। और दोस्तों फिर क्या था, नीता अंबानी मुकेश अंबानी ने मिलकर रोहित शर्मा को 100 करोड़ से भी ऊपर का ऑफर दिया, लेकिन अब रोहित शर्मा ने खुद बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि अंबानी परिवार को लगता है कि मैं पैसों के दम पर उनकी टीम में शामिल हो जाऊंगा, मुझे बस अपनी इज्जत प्यारी है। अगर मैं मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिता सकता हूँ तो आगे भी दम रखता हूँ कि 6ठी बार भी मुंबई इंडियंस को विजेता बनाऊंगा, लेकिन मेरे से ज्यादा भरोसा हार्दिक पांड्या पर मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट ने जताया। मेरे से कोई सलाह नहीं ली गई, कोई चर्चा नहीं की गई कि हार्दिक को हम कप्तान बना रहे हैं। जब भी मन करा उन्होंने मुझे कप्तानी से हटा दिया और हार्दिक को कप्तान नियुक्त कर दिया, इसलिए मैंने मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ा और आरसीबी की टीम को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुंबई इंडियंस कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती। उन्होंने किरण पोलार्ड को भी निकाला था और अब मेरे साथ भी वही किया है जो इन्होंने सबके साथ किया। अब मैं मुंबई इंडियंस के लिए एक भी मैच नहीं खेलूंगा। मैंने तो ठान लिया अगर मुंबई इंडियंस मुझे दोबारा से 100 करोड़ भी देंगे और कप्तानी मुझे नहीं करने देंगे तो मैं मुंबई इंडियंस की टीम से अच्छा तो विराट कोहली की आरसीबी टीम को विजेता बनाने पर फोकस करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने तो साफ कर दिया, लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि रोहित जो कह रहे हैं वो सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों मुंबई ने कप्तानी से हटाया तो आरसीबी की टीम का हाथ थाम कर बने उनकी टीम के कप्तान, लेकिन नीता अंबानी ने फिर भी दिए करोड़ों के ऑफर रोहित शर्मा ने ठुकराए, तो अब खुद हार्दिक पांड्या गए रोहित शर्मा से मिलने और फिर बाहर आकर हार्दिक पांड्या ने किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच क्या बातचीत हुई वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल 2024 की नीलामी इस बार चर्चा का विषय बनकर रह गई है। एक तरफ मिचेल स्टार्क जो कि 24.75 करोड़ रुपए में बिके केकेआर की टीम में, तो वहीं पैट कमिंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। अब दोस्तों इतना बड़ा अमाउंट देकर विदेशी खिलाड़ी को एक तरफ टीमें खरीद कर मजबूत होती जा रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने तो ठान लिया है कि उनको सबसे बेकार टीम बनकर सामने आना है, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा को ही उन्होंने कप्तानी से हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही रोहित शर्मा है
जिन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को 5 बार टाइटल विजेता बनाया और यहाँ तक कि उनसे पहले ये करिश्मा महेंद्र सिंह धोनी तक भी नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बात की कदर बिल्कुल भी मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी को नहीं रही। उन्होंने रोहित शर्मा से एक बार भी पूछा नहीं कि उनको कप्तानी से हटना भी है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीता अंबानी ने बिना सोचे समझे सबसे पहले तो गुजरात टाइटंस की टीम में से हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करवाया और फिर हार्दिक पांड्या को अगले 2-3 दिन बाद ही अनाउंसमेंट कर दिया कि उनको कप्तान बनाया जा रहा है। अब दोस्तों ऐसे में रोहित शर्मा का अचानक से कप्तानी से हटने का फैसला फैंस को हजम नहीं हुआ और फैंस काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। इस दौरान मुंबई इंडियंस तक को बहिष्कार करने की मांग तक उठ गई। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस के फैंस जानते हैं रोहित शर्मा अगर कप्तानी नहीं करेंगे मुंबई इंडियंस टीम की तो वो आईपीएल देखना तक भी छोड़ देंगे। और इसी का मान सम्मान रखते हुए हार्दिक पांड्या खुद रोहित शर्मा से मिलने पहुंच गए उनको मनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों नीलामी के दौरान रोहित शर्मा ने अपना नाम आरसीबी की टीम के कप्तान बनने के तौर पर डाल दिया था और अब रोहित शर्मा आरसीबी टीम की कप्तानी करेंगे, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा मिलकर अपनी टीम को आईपीएल विजेता बनाने से चूकेंगे नहीं। और रोहित शर्मा वैसे भी एक बेहतरीन कप्तान है और आते से ही पहले साल में आरसीबी की टीम को वो चैंपियन बना भी देंगे और इसका अंदाजा हर किसी को है। लेकिन दोस्तों अब हार्दिक पांड्या जब रोहित शर्मा को मनाने उनके फ्लैट मुंबई स्थित पहुंचे तो वहां पर हार्दिक पांड्या की कम से कम 3 घंटे तक बातचीत चली। और फिर बातचीत से बाहर निकलने के बाद जब हार्दिक से पूछा गया कि क्या निर्णय हुआ तो हार्दिक ने रोहित पर कहा कि हम रोहित शर्मा को अपनी मुंबई इंडियंस की टीम में वापस लाने के लिए लगे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रोहित शर्मा कैसे भी करके हमारी टीम के लिए खेलें, क्योंकि हम रोहित शर्मा को खो नहीं सकते। ऐसा बल्लेबाज जिसने मुंबई इंडियंस को 5 बार विजेता बनाया है ऐसा खिलाड़ी कहीं मिल नहीं सकता और रोहित भाई एक अच्छे कप्तान है और शायद मेरे से भी अच्छी कप्तानी वो करते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट को लगता है कि मैं आगे टीम को अच्छे से संभाल पाऊंगा इसलिए मुझे कप्तान बनाया गया है। बाकी हमने रोहित के लिए 80 करोड़ रुपए तक का भी ऑफर रख दिया है टीम में वापस आने के लिए। अब रोहित की मर्जी है कि वो हमारी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, लेकिन रोहित शर्मा को हम वापस लाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। बाकी विराट कोहली की टीम में रोहित शर्मा खेले ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि कोहली की टीम फिर 100% आईपीएल 2024 का खिताब अपने घर लेकर चली जाएगी और इसीलिए हम रोहित भाई को मुंबई इंडियंस से ही खिलाना चाहते हैं और इसलिए लगे पड़े उनके पीछे और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने यह तक मना कर दिया है कि वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है जब तक कि उनको मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी नहीं जाती। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी क्या रोहित शर्मा को करनी चाहिए या फिर हार्दिक पांड्या को? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे ही रोहित को 27 करोड़ देकर बेंगलुरु ने अपना बनाया तो खुद नीता अंबानी के पैरों तले जमीन खिसक गई और अब रोहित के बेंगलुरु जाने के बाद फूट फूट कर रोते हुए नीता ने न केवल उनसे माफी मांगी है बल्कि रोहित के लिए कह दिया कुछ ऐसा जिनकी बातें सुनकर रोहित के फैंस भी दंग रह गए हैं। तो आखिर कैसे रातों रात रोहित ने थामा है बेंगलुरु का हाथ और इस हैरत अंगेज निर्णय पर क्या कुछ रहा नीता का रिएक्शन? अब कितने करोड़ रुपए उन्होंने किए हैं रोहित को ऑफर दोबारा मुंबई ज्वाइन करने के लिए? सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित कोहली और हार्दिक में कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आईपीएल 2024 ऐतिहासिक होने वाला है जिसका शुभारंभ अभी से हो चुका है। मार्च में खेले जाने वाले आईपीएल के लिए जब दुबई में एक्शन का आयोजन किया गया तब 10 टीमों के मालिकों ने इतनी धनराशि जुटाई कि दुनिया भर के अरबपति भी देखकर दंग रह गए। वहीं आईपीएल ऑक्शन खत्म होते ही अब ट्रेड विंडो में एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसे मचल स्टॉक्स ने बड़ी कीमत अदा की गई है और उनका नाम सुनकर तो सबसे ज्यादा झटका यदि किसी को लगेगा तो वो है मुंबई इंडियंस। जी हाँ, आपको बता दें वो कोई और नहीं बल्कि आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्हें मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2024 के लिए कप्तानी पद से हटा दिया और यह फैसला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उनके समान साबित हो रहा है। जी हां दोस्तों, जहां उन्होंने एक तरफ हार्दिक पांड्या को अपना कप्तान बनाया तो उनके फैंस ने उनका साथ छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स उनके कम हो गए तो लोग सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करने लगे। यहां तक कि अब दूसरी टीमों ने भी रोहित शर्मा को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। सभी रोहित को बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि ट्रेड विंडो में रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड विंडो में से सभी फ्रेंचाइजी एक दूसरे से खिलाड़ियों की अदला बदली कर सकती हैं और जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस ने रोहित के साथ किया है अब तो रोहित शर्मा मुंबई के साथ भी रहना नहीं चाहेंगे। जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई भी टीम रोहित को अपने साथ जोड़ने के लिए आसानी से 20 से 25 करोड़ रुपए दे सकती है और ऐसा ही अब हमें देखने को मिलने लगा है। जहां विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर निकल कर आ रही है कि बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी अब रोहित शर्मा को 25 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल करने के लिए तैयार है तो इस खबर ने मुंबई के रातों रात नींद हराम कर दी है। अक्षर भी हो क्यों ना, उनका सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान अब उनके छिन चुका है। लेकिन मुंबई इंडियंस भी इसके बाद शांत नहीं बैठी। यहां तक कि खुद मुंबई की मालकिन नीता अंबानी के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं और रोहित पर बयान देते हुए उन्होंने जो कहा उनकी बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो नीता अंबानी ने कहा कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का अटूट हिस्सा है।
हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हमने भविष्य को देखते हुए कप्तान बदला है, लेकिन जिस मुकाम पर हम आज हैं वहां तक हमें रोहित शर्मा ने पहुंचाया है। उनके बिना मुंबई इंडियंस कुछ भी नहीं है। वह हमेशा हमारे फॉरएवर कैप्टन रहेंगे और उनकी लेगेसी मुंबई में हमेशा बरकरार रहेगी। हम चाहते हैं मुंबई में हमेशा रोहित रहें और एक लीजेंड के तौर पर युवा खिलाड़ियों को गाइड करें, और हम किसी को भी अब उन्हें ले जाने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, रोहित की तारीफ करने के साथ साथ अब नीतम मारी ने रोहित शर्मा को एक बहुत बड़ी रकम भी अदा करने का वादा किया है, जिसका खुलासा सबके सामने नहीं किया गया। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो नीतम मारी रोहित को मनाने के लिए कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। आखिर वो भी क्यों है, यदि रोहित को कप्तानी नहीं मिलेगी तो वह इतनी रकम के हकदार तो है ही, और रोहित क्या करने में माहिर है ये तो सभी जानते हैं। ऐसे में नीतम मारी अपने इन सबसे बड़े हथियार को किसी और को कैसे सौंप सकते हैं? यानी कि आखिरकार नीतम मारी और मुंबई के मैनेजमेंट को अपने फैसले पर पछताना पड़ा और रोहित को वापस लेने के लिए उन्हें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित को मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई ने कप्तानी से हटाया तो आरसीबी की टीम का हाथ थाम कर बने उनकी टीम के कप्तान, लेकिन नीता अंबानी ने फिर भी दिए करोड़ों के ऑफर, रोहित शर्मा ने ठुकराए। तो अब खुद हार्दिक पांड्या गए रोहित शर्मा से मिलने, और फिर बाहर आकर हार्दिक पांड्या ने किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच क्या बातचीत हुई वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल 2024 की नीलामी इस बार चर्चा का विषय बनकर रह गई है। एक तरफ मिचेल स्टार्क जो की 24.75 करोड़ रुपए में बिके केकेआर की टीम में, तो वहीं पैट कमिंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। अब दोस्तों, इतना बड़ा अमाउंट देकर विदेशी खिलाड़ी को एक तरफ टीमें खरीदकर मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने तो ठान लिया है कि उनको सबसे बेकार टीम बनकर सामने आना है, क्योंकि यहाँ पर रोहित शर्मा को ही उन्होंने कप्तानी से हटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को 5 बार टाइटल विजेता बनाया, और यहाँ तक कि उनसे पहले ये करिश्मा महेंद्र सिंह धोनी तक भी नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बात की कदर बिल्कुल भी मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी को नहीं रही। उन्होंने रोहित शर्मा से एक बार भी पूछा नहीं कि उनको कप्तानी से हटना भी है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नीता अंबानी ने बिना सोचे समझे सबसे पहले तो गुजरात टाइटंस की टीम में से हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करवाया, और फिर हार्दिक पांड्या को अगले 2-3 दिन बाद ही अनाउंसमेंट कर दिया कि उनको कप्तान बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में रोहित शर्मा का अचानक से कप्तानी से हटने का फैसला फैंस को हजम नहीं हुआ, और फैंस काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। इस दौरान मुंबई इंडियंस तक को बहिष्कार करने की मांग तक उठ गई। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस के फैंस जानते हैं, रोहित शर्मा अगर कप्तानी नहीं करेंगे मुंबई इंडियंस टीम की तो वो आईपीएल देखना तक भी छोड़ देंगे। और इसी का मान सम्मान रखते हुए हार्दिक पांड्या खुद रोहित शर्मा से मिलने पहुंच गए उनको मनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों नीलामी के दौरान रोहित शर्मा ने अपना नाम आरसीबी की टीम के कप्तान बनने के तौर पर डाल दिया था, और अब रोहित शर्मा आरसीबी टीम की कप्तानी करेंगे, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा मिलकर अपनी टीम को आईपीएल विजेता बनाने से चूकेंगे नहीं। और रोहित शर्मा वैसे भी एक बेहतरीन कप्तान है, और आते से ही पहले साल में आरसीबी की टीम को वो चैंपियन बना भी देंगे, और इसका अंदाजा हर किसी को है। लेकिन दोस्तों, अब हार्दिक पांड्या जब रोहित शर्मा को मनाने उनके फ्लैट मुंबई स्थित पहुंचे, तो वहां पर हार्दिक पांड्या की कम से कम 3 घंटे तक बातचीत चली, और फिर बातचीत से बाहर निकलने के बाद जब हार्दिक से पूछा गया कि क्या निर्णय हुआ, तो हार्दिक ने रोहित पर कहा कि हम रोहित शर्मा को अपनी मुंबई इंडियंस की टीम में वापस लाने के लिए लगे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि रोहित शर्मा कैसे भी करके हमारी टीम के लिए खेलें, क्योंकि हम रोहित शर्मा को खो नहीं सकते। ऐसा बल्लेबाज जिसने मुंबई इंडियंस को 5 बार विजेता बनाया है, ऐसा खिलाड़ी कहीं मिल नहीं सकता, और रोहित भाई एक अच्छे कप्तान है और शायद मेरे से भी अच्छी कप्तानी वो करते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट को लगता है कि मैं आगे टीम को अच्छे से संभाल पाऊंगा, इसलिए मुझे कप्तान बनाया गया है। बाकी हमने रोहित के लिए 80 करोड़ रुपए तक का भी ऑफर रख दिया है टीम में वापस आने के लिए। अब रोहित की मर्जी है कि वो हमारी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं, लेकिन रोहित शर्मा को हम वापस लाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। बाकी विराट कोहली की टीम में रोहित शर्मा खेले ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि कोहली की टीम फिर 100% आईपीएल 2024 का खिताब अपने घर लेकर चली जाएगी, और इसीलिए हम रोहित भाई को मुंबई इंडियंस से ही खिलाना चाहते हैं, और इसीलिए लगे पड़े हैं उनके पीछे और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रोहित शर्मा ने यह तक मना कर दिया है कि वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है जब तक कि उनको मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी नहीं जाती। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी क्या रोहित शर्मा को करनी चाहिए या फिर हार्दिक पांड्या को? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक
लाइक कीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने कप्तानी से हटाया तो रोहित शर्मा ने थामा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का हाथ। तो नीता अम्बानी रोहित से बात करने और उनको बड़ा ऑफर देने के लिए पहुंची उनके घर और फिर बाहर आकर रोहित शर्मा के ऊपर किया ऐसा होश उड़ा देने वाला खुलासा कि सुनकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो दोस्तों आखिर क्या बातचीत हुई नीता अम्बानी और रोहित शर्मा के बीच में, वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल 2024 की नीलामी समाप्त हो चुकी है और जो भी टीमें इस बार बनी है उन सब में सबसे ज्यादा मजबूत इस बार सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी की टीम नजर आ रही है। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम से जो उम्मीदें दर्शक कर रहे थे उनकी टीम इतनी ज्यादा कुछ खास है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में से कप्तान रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी। और हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने अच्छे कप्तान है। हार्दिक पांड्या भले 100 गुना ज्यादा मैच जीत जाए लेकिन रोहित शर्मा से अच्छी कप्तानी वो कभी भी कर नहीं सकते। और रोहित शर्मा ही वो खिलाड़ी है जिन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम को 5 बार खिताब भी जिताया है और सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बराबरी उन्हीं की टीम की है। तो ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा को बिना उनसे पूछे नीता अम्बानी की टीम मुंबई इंडियंस ने उनको कप्तानी से बेदखल कर दिया और उसके बाद से ही काफी विवाद मुंबई इंडियंस की टीम में चलने लग गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं फैंस हमेशा चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा बने रहे। वो बात अलग है कि जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे आईपीएल से तब वो खुद कप्तानी से हटे। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या पर रोहित शर्मा से ज्यादा भरोसा जताया और ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या ने एक आईपीएल ट्रॉफी गुजरात टाइटंस को वैसे ही जिता दी थी। अब दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तो अपनी कप्तानी के दम पर ज्यादा कुछ खास झंडे गाड़े नहीं है लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस को विश्वास उन्हीं पर ज्यादा है। और इस बीच रोहित शर्मा ने यह तक मांग कर डाली थी कि वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बने रहेंगे तभी मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे वरना वो जाकर आरसीबी की टीम के साथ हाथ मिला लेंगे। और यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी यही किया जब उनको पता चला कि मुंबई इंडियंस मानने के लिए तैयार नहीं है और फिर उन्होंने सीधा जाकर आरसीबी की टीम के साथ बातचीत की और इस बीच रोहित शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के कप्तान बनते हुए नजर आए। लेकिन आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा के लिए यह सब कर पाना आसान नहीं है और नीता अम्बानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो रोहित शर्मा के घर पर उनसे बातचीत करने गई और उनको 100 करोड़ रुपए का ऑफर भी दे दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब नीता अम्बानी ने बाहर आने के बाद खुद बताया कि मैंने रोहित को मनाने की काफी कोशिश की, मैंने यह तक कह दिया कि आप हमसे 100 करोड़ रुपए ले लीजिए और टीम में वापस आ जाइए लेकिन रोहित मानने के लिए तैयार नहीं है। रोहित को समझना चाहिए कि यह तो दौर है कप्तानों का, अगर आप आज कप्तान है तो कल या फिर परसों आप कप्तानी से हटाए तो जरूर जाएंगे। अब हार्दिक पांड्या अगर आपसे बेहतर कप्तान है, हमने उन्हें कप्तान बना दिया है तो अब आपको उस फैसले पर अमल करना चाहिए और मुंबई इंडियंस के साथ आप इतने साल तक बने रहे और भी साल हमारे साथ बिताइए, हम यही चाहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा मानने के लिए तैयार नहीं है और अब हमने भी कोशिश करना छोड़ दिया है। रोहित शर्मा को अगर आरसीबी टीम की कप्तानी करनी है और उन्हीं को विजेता बनाना है आईपीएल का तो वो बनाए, हमें उससे अब मतलब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बॉन्ड खत्म करने के लिए नीता अम्बानी भी तैयार हो चुकी है रोहित शर्मा से बातचीत करने के बाद। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों पक्ष को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अगर रोहित शर्मा का मन है कि वो मुंबई इंडियंस के लिए ही खेले तो उनको कप्तानी सौंप देनी चाहिए और अगर वो आरसीबी टीम में जाते हैं तो वहां जाकर कप्तानी करेंगे तो विराट कोहली की टीम तो वैसे भी विजेता बन जाएगी और नीता अम्बानी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि विराट कोहली की टीम जीते। लेकिन अब आप क्या मानते हैं, क्या 100 करोड़ रुपए लेकर रोहित शर्मा को कप्तानी कर लेनी चाहिए मुंबई इंडियंस टीम की या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप शुभमन गिल और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल ऑक्शन खत्म होते ही गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अब कर दिया गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 का ऐलान। 25 करोड़ में रोहित को खरीद कर ली है आईपीएल चैंपियन बनने की पूरी तैयारी। तो आखिर कैसी रहने वाली ऑक्शन के बाद गुजरात टाइटंस की टीम? शुभमन गिल ने हिटमैन को क्यों किया टीम में शामिल? रोहित के आ जाने के बाद अब कैसी नजर आ रही है गुजरात की प्लेइंग 11? सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है T20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों विश्व कप के फाइनल मैच में मिली हार के बाद करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया लेकिन हर किसी को आईपीएल का बुखार चढ़ा हुआ था। हर कोई आईपीएल ऑक्शन में नीलामी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दुबई में आईपीएल ऑक्शन 2024 की नीलामी में खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की रकम उड़ाई गई जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो वहीं कई खिलाड़ियों को खरीदने वाली कोई फ्रेंचाइजी नहीं मिली इस बार आईपीएल ऑक्शन में। अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा गया मगर वहीं कई खिलाड़ियों को
एक रुपए भी नहीं मिले। इस बार आईपीएल 2024 का ऑक्शन दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया। सभी फ्रेंचाइजी अपनी मेंबर्स के साथ जोर जोर से खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए पहुंचे। हर फ्रेंचाइजी ने जमकर खिलाड़ियों पर पैसे लुटाए। इस बार का ऑप्शन देखकर यही लग रहा था कि खिलाड़ियों पर जमकर पैसों की बारिश हुई, क्योंकि समझ बूझ के साथ फ्रेंचाइजियों ने खिलाड़ियों पर पैसे लगाए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क का हुआ, उन्हें 24.75 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया गया, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। इतना नहीं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और खतरनाक खिलाड़ी पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 40 लाख रुपए की मोटी रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया। इन दोनों खिलाड़ियों की रकम देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। कहीं कुछ खिलाड़ी भी निराश है, वहीं कुछ खिलाड़ियों को तो खरीदार ही नहीं मिले। अब आईपीएल ऑक्शन खत्म हो चुका है, हर किसी को आईपीएल के मैच के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय यह निकल कर आ रही है कि शुभमन गिल ने ऑक्शन के बाद मुंबई के कप्तान रह चुके और सबसे खतरनाक खिलाड़ी रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल कर लिया। तो वहीं रोहित शर्मा ने भी गुजरात टाइटंस के द्वारा दिए गए 25 करोड़ के ऑफर को ठुकरा नहीं पाए और उन्होंने भी आईपीएल 2024 में गुजरात की तरफ से खेलने का पूरा मन बना लिया। इसके बाद शुभमन गिल ने अपनी पूरी प्लेइंग 11 को भी तैयार कर लिया। ऐसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर शुभमन गिल आईपीएल में उतरने वाले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में दिया है गिल ने मौका। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने ओपनिंग करने के लिए जिम्मेदारी अपने साथ साथ रोहित शर्मा के कंधों पर रखी है। रोहित को टीम में शामिल कर हर किसी को चौंका दिया है। अब ये दोनों बल्लेबाज गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग करते हुए धमाल मचाने वाले हैं। रोहित शर्मा मुंबई के सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। उन्होंने अपनी टीम को 6 बार चैंपियन की ट्रॉफी दिलाई है, लेकिन कुछ अनबन हो जाने के कारण नीता अंबानी ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया। उनके बाद गिल ने अपनी टीम में शामिल करने का उन्हें पूरा मन बना लिया था। शुभमन गिल ने नंबर 3 पर टीम की कमान संभालने के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को जिम्मेदारी सौंपी है। विलियमसन दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। ये अच्छे अच्छे गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं। ये अपनी टीम को अकेले दम पर आईपीएल की ट्रॉफी दिला सकते हैं, इसलिए गिल ने सबसे अधिक भरोसा जताकर इन्हें नंबर 3 पर खेलने का मौका दिया है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विजय शंकर नजर आ सकते हैं। ये भी बेहद ही शानदार खिलाड़ी हैं। ये अपनी टीम को किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। वहीं नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर नजर आएंगे। गिल ने इन पर सबसे अधिक भरोसा जताया हुआ है। ये लंबे लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाज जिनके सामने फीके पड़ जाते हैं और लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। नंबर 6 पर हमें टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। वहीं नंबर 8 पर अपनी बल्लेबाजी से कम समय में दिल जीत लेने वाले बल्लेबाज साई सुदर्शन खेलते हुए दिख सकते हैं। ये शुभमन गिल के सबसे पसंदीदा बल्लेबाज बन गए। गिल ने स्पिन डिपार्टमेंट संभालने के लिए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। ये गेंद के साथ साथ बल्ले से भी जबरदस्त तबाही मचाते हैं और ये ऑलराउंडर की भी भूमिका निभाएंगे। वहीं तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में शुभमन गिल ने मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा के साथ साथ जोशुआ लिटिल के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। ये तीनों तेज गेंदबाज गुजरात टाइटंस को आईपीएल का चैंपियन बना सकते हैं और अकेले दम पर ट्रॉफी दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गिल के द्वारा बनाए गए ऑक्शन के बाद प्लेइंग 11। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस में रोहित शर्मा को शामिल होना सही है या गलत? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो अगर आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा का नाम कप्तानी से हटाया तो आरसीबी का थामा हाथ बने कप्तान। लेकिन नीता अंबानी ने वापस बुलाने के लिए रखी शर्त, रोहित शर्मा ने अब दिया उनको ऐसा जवाब कि सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो दोस्तों, आखिरकार रोहित शर्मा ने क्यों 500 करोड़ रुपए ठुकरा दिए आरसीबी की टीम में जाने पर? अब खुद रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है, वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि आईपीएल 2024 शुरू होने में बस कुछ ही चंद महीने बचे हुए हैं और यहाँ आईपीएल 2024 का ऑक्शन इस बार जितना चर्चा का विषय रहा है उतना आज तक कोई भी ऑक्शन नहीं हुआ। हुआ ये कि यहाँ पर मिचेल स्टार्क सबसे पहले तो 24.75 करोड़ में बिक गए, यही चौंका देने वाली बात थी। तो वहीं पैट कमिंग्स को 20 करोड़ मिल गए और यहाँ तक कि भारत के अच्छे बल्लेबाज जो कि अपनी टीम को कई बार मुकाबले जिता चुके हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी, वो भी 10-12 करोड़ ही पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आईपीएल 2024 में कुछ अजीब सा ही देखने के लिए मिला। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा को लेकर जो विवाद चल रहा था मुंबई इंडियंस की टीम में, अब वो आखिरकार हल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर रोहित शर्मा ऐसा नहीं है कि अब मुंबई इंडियंस की टीम में जाकर खेल रहे हैं, वो आरसीबी की टीम का हाथ थाम चुके हैं और यहाँ
पर बस अब मुंबई इंडियंस की टीम को उनके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड साइन किए हुए हैं उनको कैंसिल करवाना है। और जहां वो कैंसिल हुए रोहित शर्मा तुरंत आरसीबी टीम के कप्तान बन जाएंगे और ऐसा भारतीय दर्शक भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम रोहित शर्मा को छोड़ना नहीं चाहती। वो जानते हैं कि रोहित शर्मा अगर टीम से गए तो अकेले हार्दिक पांड्या के बस की बात नहीं है कि वो मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जिता सके। और यहां पर हार्दिक पांड्या पर इतना भरोसा मुंबई इंडियंस की टीम ने जताया कि जैसे ही उनको गुजरात टाइटंस की टीम में से ट्रेड किया तो यहां पर रोहित शर्मा की जगह पर उनको कप्तान ही बना दिया सीधा। और यहां पर दोस्तों फैंस काफी ज्यादा भड़कते हुए भी नजर आए क्योंकि वो जानते थे कि रोहित शर्मा से अच्छे कप्तान हार्दिक पांड्या ना थे कभी और ना कभी बन सकते हैं। और रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाने वाले मुंबई इंडियंस ने उनको कप्तानी पर से हटाने के लिए ये भी नहीं सोचा कि 5 बार मुंबई इंडियंस को उन्होंने ट्रॉफी जिताया है और उनकी जगह पर हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। और दोस्तों रोहित शर्मा ने शर्त भी रखी थी वो मुंबई इंडियंस में तब तक ही रहेंगे जब वो कप्तान बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुंबई इंडियंस की मालिकिन नीता अंबानी ने यह करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और हार्दिक पांड्या को ही कप्तान बनाए रखा। तो इसीलिए रोहित शर्मा ने जाकर सीधा आरसीबी की टीम का सहारा लिया और वहां के वो अब कप्तान बन चुके हैं। लेकिन इस पर अब खुद रोहित शर्मा कहते हैं कि मुझे नीता अंबानी मैम की तरफ से 50 करोड़ रुपए तक का भी ऑफर आया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं मुंबई इंडियंस के लिए अब नहीं खेलूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी कदर नहीं की, उन्होंने मुझे कप्तान नहीं बनाया। हालांकि कप्तानी इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मेरे से एक बार भी पूछा नहीं गया क्या मैं कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार हूं या फिर मुझे वक्त चाहिए। और खुद ही टीम मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बना देना चाहिए। आखिर मैं युवा खिलाड़ी की कप्तानी में कैसे खेल पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आरसीबी की टीम मुझे जो ऑफर दे दिया मुझे वही स्वीकार कर लेना चाहिए और उनकी टीम के लिए कप्तानी करनी चाहिए। और वैसे भी आरसीबी की टीम आज तक कोई भी आईपीएल ट्रॉफी जीती नहीं है और हम सब मिलकर आरसीबी को इस साल आईपीएल की ट्रॉफी जिताने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा तो अब आरसीबी की टीम में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि रोहित शर्मा ने जो कदम उठाया वो सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट